हिंदू मुसलमान, अरे खत्म करो इस चीज को भाई। हमारे तमाम दोस्त मोहब्बत बरकरार रहे। जेपी वाला में तो नहीं, ये तो नहीं असर आएगा। बहराइच वाला मुद्दा असर करेगा। रही बात 27 की, कुत्ता लड़ेगा समाज पार्टी जीतेगा। बीजेपी का ही पलड़ा भाई है, क्योंकि बीजेपी की यूपी में सरकार है और योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे। वो सब भाजपा की बौखलाहट है। बीजेपी के अलावा कोई विकल्प भी तो नहीं दिखाई देता। पूरी तरीके से नजर आएगा और समाजवादी पार्टी इस बार परचम लहराएगी। बेरोजगारी में विफल हो गए, महंगाई में विफल हो गए, लौंडे आवारा घूम रहे हैं, रील देख रहे हैं, खाली समय में कोई है किसी के पास? जनता आज पूरी तरीके से मूड बना के बैठी कि एक बार मुझे मौका दिया जाए और मैं इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। 2 करोड़ नौकरी हर साल की बात हुई थी, 10 साल से ऊपर हो गया, 2 मतलब इस हिसाब से तो 20 करोड़ हो गया, 40 करोड़ तो आपने खा गए। नमस्कार, हेलो यूपी में हम आप सबका स्वागत करते हैं। इस वक्त हम पासपोर्ट ऑफिस के ठीक पास खड़े हैं, कहा जाए तो JPNIC के पीछे। यहाँ पे राजेश लैया वाले भैया हैं। जहाँ पे हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमको पता चला कि यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं जिनसे चुनाव के बारे में कुछ जान जाएं। अब इनसे बेहतर कौन ही बता सकता है। आज जो है उपचुनाव का ऐलान होने वाला है, तारीख का। क्या लगता है कि इस बार किसका पल्ला भारी रहेगा? बीजेपी का ही पल्ला भारी रहेगा, क्योंकि बीजेपी की यूपी में सरकार है और योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे, और माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो उनके द्वारा इसे योजनाएं संचालित की जा रही हैं, यूपी में दी जा रही हैं, इससे यूपी के लोगों को विकास हो रहा है। अतः मैं चाहता हूं कि बीजेपी की कम से कम 7 सीटें आएँ और 10 सीटों का है, 7 सीटें बीजेपी का है, बाकी अदर्स की आएँ। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मेरे भैया यही वो है, आपको ये तो पता होगा कि आप JPNIC के ठीक पीछे खड़े हैं। हाँ, और परसों ही नर्सों की बात है कि माल्यार्पण करने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को घर से निकलने नहीं दिया गया। क्या लगता है कि उसका फर्क, उसका असर इस उपचुनाव में नजर आएगा? हो सकता है थोड़ा बहुत आए भाई, जरूर। हाँ, थोड़ा बहुत तो जरूर आएगा, थोड़ा बहुत जरूर आएगा। हाँ। तो किसका पल्ला आपको लगता है भारी होगा? बीजेपी के अलावा कोई विकल्प भी तो नहीं दिखाई देता। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि बीजेपी के अलावा कोई विकल्प नहीं है? क्या हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने क्या उत्तर प्रदेश के लिए कुछ काम नहीं किया? किया है, काम क्यों नहीं किया? उन्होंने भी काम किया अपने कार्यकाल में, जो भी काम हुए हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि भाजपा लोगों को इतनी दिल में उतर आई? भाजपा दिल में उतरने का मतलब ये है कि देखिए, इनकी जो भी योजना है हर गरीब तबके के लोगों के लिए और हर आदमी को बेनिफिट मिल रहा है, उसमें कोई धांधली वांधली नहीं है, और जो भी है तो उसका भी निस्तारण कर रहे हैं ये लोग कि भाई सभी का जो सुविधाएं हैं वो उनके उन तक पहुँचे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या लगता है उपचुनाव का आज ऐलान होने वाला है, आज डेट तय होगी, क्या लगता है किसका पलड़ा भारी रहेगा? पलड़ा आप देखते हुए, क्योंकि जिस तरीके इस समय प्रदेश का माहौल है, हर एक चीज़ बेरोजगारी चरम सीमा पर, हर एक चीज़ देखे रहे हैं क्या पोजिशन है, तो विपक्ष भी मजबूत रहेगा, इसमें कमजोर नहीं रहेगा इस चुनाव में। विपक्ष पूरा मजबूत? हाँ, मजबूत। ये कह रहे हैं कि विपक्ष मजबूत रहेगा, मतलब कहीं ना कहीं विपक्ष का इस उपचुनाव में पल्ला पूरी तरीके से भारी रहेगा। बिल्कुल रहेगा, इसलिए कि जनता ने जिस विश्वास के साथ आदरणीय मोदी जी के, अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे जो है अपना मोहर लगाया था, कहीं ना कहीं उनको जो है धोखा का सामना करना पड़ा। जिस तरीके से इन लोगों ने कहा था मैं युवाओं के लिए एक एक्सेस प्लान करूंगा, रोज़गार दूंगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करूंगा, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल क्रिएट किया जा रहा है। आज जनता पूरी तरीके से महंगाई से लेकर बेरोजगारी से लेकर सारी चीज़ों पर एकदम त्रस्त है। क्या लगता है कि भाजपा पूरी 10 की 10 सीटें हारेंगी? लग तो ऐसे रहा है, जैसी कानून व्यवस्था है, जैसे बेरोजगारी है, तो उससे तो यही लगता है कि पहली बार किसी ने बेरोजगारी मुद्दे पर सवाल जवाब किए हैं, वरना आराम महंगाई पर क्या कहेंगे? 2 टर्म्स पे इनको मौका दिया गया। तेल है जो कड़वा तेल है, उसका आप देख ही रहे होंगे कहाँ से कहाँ रेट पहुँच गया। दूसरी तरीके से ये देखा जाए, जनता आज पूरी तरीके से मूड बना के बैठी कि एक बार मुझे मौका दिया जाए और मैं इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। इसलिए कि आज 2 बार मौका मिला, इनको 1% इन लोगों ने मिल के जो है काम नहीं किया। हमेशा पोलराइजेशन की बात की, डिवाइड एंड रूल को पॉलिसी अपना कर हमेशा समाज को जो है तोड़ने का काम किया। जो हमारे देश की जो डाइवर्सिटी है, जो खूबसूरती है,
कि ये देश जो है एक गुलदस्ते की तरह है। आने वाले समय में जो है आज जनता पूर्ण रूप से जो इंतज़ार कर रही है कि एक बार हमको भी जो है मौका दिया जाए। कभी भी इंसान को आज जीरो से हीरो अगर जो मुख्यमंत्री जी को बनाया है, भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने सपोर्ट करके मौका दिया, दो बार मौका मिला, इनको एक भी परसेंट इन लोगों ने मिल के जो है काम नहीं किया। हमेशा पोलराइजेशन की बात की, डिवाइड एंड रूल को पॉलिसी अपना कर हमेशा समाज को जो है तोड़ने का काम किया। जो हमारे देश की जो डाइवर्सिटी है, जो खूबसूरती है कि ये देश जो है एक गुलदस्ते की तरह है। आने वाले समय में जो है आज जनता पूर्ण रूप से जो इंतज़ार कर रही है कि एक बार हमको भी जो है मौका दिया जाए। कभी भी इंसान को आज जीरो से हीरो अगर जो मुख्यमंत्री जी को बनाया है, भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने सपोर्ट करके मौका दिया। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम नितिन चाय वाले के यहाँ खड़े हैं और ठीक यहाँ पे तमाम चाय के चर्चा के दौरान यहाँ पे लोग चाय पी रहे हैं। इनसे जानेंगे कि उपचुनाव का हाल क्या है, आज तारीख तय होगी उपचुनाव की और कौन जीतेगा कौन नहीं ये तो समाज से बेहतर कौन बता सकता है। तो बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे? उपचुनाव है तो इसमें तो मुझे लगता है कि बीजेपी जीतेगी, करीब 7 सीटों के आसपास जीतेगी बीजेपी। 7 सीटों के आसपास? हाँ। तो आपने कुछ बहराइच का मुद्दा आप जान सकते हैं और साथ ही साथ अभी कुछ दिन, अभी 2-3 दिन पहले अखिलेश यादव जी को JP NIC का माल्यार्पण करने के लिए घर के बाहर पाबंदी लगाई गई, क्या आपको नहीं लगता है कि उसका असर इस उपचुनाव में नज़र आएगा? या JP वाला में तो नहीं, ये तो नहीं असर आएगा, बहराइच वाला मुद्दा असर करेगा, इसीलिए 7 सीटें कम से कम बता रहा हूँ जीतेगी। ठीक है सर, क्या कहना चाहेंगे आप कि उपचुनाव, आप देख रहे हैं कि उपचुनाव एक तरीके से आ गया है और आज ऐलान होना है उपचुनाव का और समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें हैं, अन्य आप जानते हैं 3 सीटें भाजपा के पास हैं और 2 अन्य सीटें हैं, तो क्या लगता है कि किसका पल्ला भारी रहेगा? समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी का पल्ला भारी, बिल्कुल पूरी तरीके से, पूरी तरीके से। मतलब आप इस पे भी श्योर हैं कि कुछ दिन पहले जो अभी JP NIC का माल्यार्पण करने के लिए रोका गया उसका असर इस उपचुनाव में नजर आएगा? बिल्कुल, सब भाजपा की बौखलाहट है भाई, किसी भी सामाजिक न्याय की लड़ाई पुरोधा को आप माल्यार्पण कर रोक रहे हैं तो उनकी बौखलाहट है ये, और बौखलाहट में समाजवादी पार्टी भी बहुत ऊपर जाएगी। अभी अभी 11 की 11 सीट जीते पूरा गठबंधन। कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि अगर उपचुनाव कहीं ना कहीं अगर विपक्ष पार्टी जीतती है तो इसका असर 2027 में पूरी तरीके से नजर आएगा, पूरी तरीके से नजर आएगा, और समाजवादी पार्टी इस बार परचम लहराएगी, समाजवादी पार्टी इस बार परचम लहराएगी, इस बार लहराएगी 2027। पल्ला क्यों नहीं भारी रहेगा? क्योंकि इनके यहाँ बेरोजगारी है, ये झूठ बोलते हैं लोग, और समाज में जो है कि बेरोजगार बच्चे बच्चियाँ घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तमाम चीज़ें हैं, बहराइच के मुद्दे को लेकर क्या आप कहें? आप बहराइच का मुद्दा आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरा बहराइच जल रहा है, हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं कि जिससे कि समाज बढ़ जाए और भाजपा को लाभ हो, लेकिन लाभ अब मिलने वाला सब जनता जान चुकी है, हर आदमी अब बुद्धिमान है कि ये लोग बवाल करवा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो जाए, लेकिन वो होगा नहीं, नहीं होगा, हर आदमी जानता है। मतलब एकता बनी रहेगी लोगों में, बनी रहेगी बिल्कुल, चाहे। हाँ, क्या लगता है सर, आप क्या कहेंगे इस चीज में? सर, उपचुनाव आ गया है सर, उपचुनाव का ऐलान हो गया, ऐसे तो होता है, हर बार यही होता है, जब चुनाव करीब होता है तो दंगा हो जाता है, एक ही मुद्दा है इनके पास, और कुछ है नहीं, बेरोजगारी में विफल हो गए, महंगाई में विफल हो गए, लौंडे आवारा घूम रहे हैं, रील देख रहे हैं, खाली समय में कोई है किसी के पास? मोबाइल मिल गया, इंटरनेट मिल गया, तो कुछ चाहिए नहीं, राशन नाम पर सब लोग राशन लेगा क्या? एजुकेटेड आदमी बैठ के क्या गले के आगे दुकान को लाइन लगाएगा? क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं भी नौकरी ढूंढ रहा हूँ। कहाँ तक पढ़े हैं? LLB LLM हूँ मैं। LLB LLM? जी, वो भी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नेशनल यूनिवर्सिटी से, उसके बाद ही हाल है, क्या किया जाएगा? रही बात 27 की, कुत्ता लड़ेगा समाजवादी पार्टी, जीतेगा कुत्ता लड़ेगा समाजवादी पार्टी में। ऐसे बहराइच का मुद्दा आप देख रहे हैं कि बड़ा होता चल नजर आ रहा है ना, वो तो भाई ये शासन प्रशासन फेल है पूरी तरह से। महाराज जी कहते हैं भैया कि हमने शासन प्रशासन दुरुस्त किया हुआ है, क्या दुरुस्त किया हुआ है? आप तो कहते हैं कि हमने जीरो टॉलरेंस पे, हम एकदम बात करते हैं कोई भी चीज़ हो रहा है, पुलिस के सामने आप वीडियो देखिए, पुलिस के सामने दंगा भड़काया जा रहा है, कोई मतलब है? वर्दी को बदनाम कर दिया उन्होंने, बातें बता रहे हैं लोग, क्या कीजिए बताइए? पुलिस का आप देखते होंगे, पुलिस का कमिश्नरेट ऑफिस पूरा हर जगह से कर दिया गया है, हम कह रहे हैं जगह जगह पुलिस खड़ा कर दो, अगर वो दंगा ही करवाएगा तो क्या मतलब है? कोई मतलब है? आप खुद सर वीडियो देखिए, आप तो सर नहीं लगता कि कुछ पूरी तरीके से पुलिस कर्मियों को वो छूट दे दी गई है?
छूट दे देंगे ये अपने एजेंडे सेट करने के लिए? उपचुनाव आया हुआ है, कोई मुद्दा आप पे है नहीं, आप किस चीज़ पे लड़ेंगे बताइए? आपने क्या क्या बोला, बड़े सब्ज बाग दिखाए, 2 करोड़ नौकरी हर साल की बात हुई थी, 10 साल से ऊपर हो गया, 2 मतलब इस हिसाब से तो 20 करोड़ हो गया, 40 करोड़ तो आपने खा गए। सर लड़का पागल फिर रहा है, जॉब्स है नहीं लोगों पे, सब रील बना रहे हैं, लग रहा है इजी मनी है, क्विक मनी है, पर कहीं ना कहीं वो आने वाले वक्त के बाद काम नहीं आएगा। कहीं कुछ नहीं काम आना ना, देख बेसिक बुनियादी चीज़ों का अगर मजबूत होंगे तब तो काम होगा ना, नींव बुलंद बनेगी तब तो इमारत खड़ी होगी। आपने नींव में मट्टा खोल दिया है, हिंदू मुसलमान, अरे ख़त्म करो इस चीज़ को भाई, हमारे तमाम दोस्त मोहब्बत बरकरार रहे जीवन में, आज तक इसलिए भारत इतने प्रोग्रेस करता रहा क्योंकि डाइवर्सिटी रही, लोग एक दूसरे मिलकर एक दूसरे के साथ देते रहे, बढ़ते रहे लोग, 2 कदम आप बढ़े 2 कदम हम बढ़े, मिलके 4 कदम हो गए। आप गाड़ी से आ रहे हैं, कुछ ही दिन पहले योगी सरकार ने यह निर्देश दिया कि 10 अक्टूबर जो बीत चुका है उससे पहले गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाएं, क्या लगा आपको, गड्ढा मुक्त सड़कें आपको मिल रही हैं? एक्सप्रेस वे पे गड्ढा हो गया सर, क्या कीजिएगा, नॉर्मल तो सड़क छोड़ दीजिए आप, एक्सप्रेस वे पे गड्ढा है, इनकी बातों में अब कोई आने वाला है नहीं सर, बहुत चीज़ें हो गई हैं और हर चीज़ का एक समय होता है, 5 साल दिया चलो समझ में आता है भाई, 5 साल में नहीं समझ में आया, 10 साल दिया उसके बाद भी रिजल्ट क्या रहा? उन्होंने कहा कि हमने लोगों को राम दिए, अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, लोगों के राम वापस लेकर के, ये सबसे बेशर्मी वाली बात है, आप खुदा को इस्टेब्लिश करने वाली बात कर रहे हैं जिसने आपको बनाया, ये क्या बेवकूफ़ी वाली बात है सर, श्री राम कोई बनाएगा, कोई उनको लेके आएगा, क्या बात है ये, मतलब इतना तो कॉमन सेंस रखो यार, एटलीस्ट ना कहीं गाना ये लगा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। गाना एक मैंने भी बनाया था 2022 के चुनाव के लिए, समाजवादी पार्टी का गाना बनाया था, काम होगा, आप वो गाना देखिएगा, आप वो गाना सुनिएगा, बेसिक चीज़ें उसमें कैटर की गई हैं, आप बेसिक तो सही करो यार, कहने का मतलब यही है, बाकी गुस्सा तो बहुत है, अब तो गाली निकल जाएगा, तो मैं भी थोड़ा चाहूँगा गाली ना देना। तो देखा आपने किस तरह लोगों ने यहाँ पर चर्चा पर यही बताया कि कोई भी पार्टी इस बार अगर उपचुनाव जी लड़ेगी तो वहाँ पर सरकार समाजवादी पार्टी की ही बनेगी, और ये तक कह दिया गया लोगों के द्वारा कि अगर 2027 में कुत्ता भी लड़ेगा तो वो भी चुनाव जीतेगा। कैमरा पर्सन उत्कर्ष सिंह के साथ अंबर शुक्ला, लखनऊ।